Hello everyone, this is your educator and mentor Swati Chawla. फिर से स्वागत है आप सभी व्यूअर्स का आपके अपने प्यारे से YouTube चैनल पर। तो पिछले वीडियो में वी हैव डिस्कस अबाउट लेबल इंडेक्सिंग एंड बुलियन इंडेक्सिंग प्लस हाउ टू फिल्टर द रोज एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज हाउ टू इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट डेटा बिटवीन CSV फाइल एंड डेटा फ्रेम। अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्लस बहुत ही ईजी है, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। बस आपको क्या करना है, सिर्फ वीडियो को एंड तक देखना है। अगर कंसेप्ट समझ में आ जाए वीडियो को लाइक करना है एंड डू शेयर योर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन एज वेल। अब देखो हमारा जो टॉपिक है दैट इज इंपोर्टिंग एंड एक्सपोर्टिंग डेटा बिटवीन CSV फाइल एंड डेटा फ्रेम। ठीक है, इसका देखो मतलब क्या है, यहाँ पर आपकी क्या क्या चीज़ें यूज हुई हैं। एक तो हुआ है वर्ड इम्पोर्ट यूज और एक वर्ड मेरे पास यूज हुआ है एक्सपोर्ट। इम्पोर्ट मतलब कि कोई चीज़ आप अपने प्रोग्राम में ला रहे हो। अब जैसे आप पाइथन लाइब्रेरी से इम्पोर्ट कर पांडास लाइब्रेरी इम्पोर्ट करते हो, इम्पोर्ट पांडास SPD, नमपाई इम्पोर्ट करते हो, इम्पोर्ट नमपाई। ठीक है, सो व्हाट डज दिस मीन कि आपकी जो लाइब्रेरी के फंक्शंस है वो आप उसको इम्पोर्ट कर रहे हो अपने प्रोग्राम में। तो सिमिलरली यहाँ पर इम्पोर्ट का मतलब क्या कि कोई चीज़ आप अपने प्रोग्राम में ला रहे हो। अब वो हम क्या ला रहे हैं यहाँ पर, CSV फाइल। बिकॉज हम इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट क्या कर रहे हैं, CSV फाइल और डेटा फ्रेम। अब कई बार क्या होता है, मेरे पास एक हमने टर्म पढ़ी इम्पोर्ट और एक हमने पढ़ा एक्सपोर्ट। अब कई बार क्या होता है कि मेरे पास जो डेटा है ना, काफ़ी सारा डेटा है और वो टेबुलर फॉर्म में CSV फाइल के अंदर रखा हुआ। कि आपका जो डेटा है वो अभी हम बताएंगे कि CSV फाइल क्या होता है। ठीक है, अभी सिर्फ आप ये समझ लो एक्सेल की कोई फाइल है। अब अगर मेरे पास जो डेटा है वो CSV फाइल में है, उसको मुझे इम्पोर्ट करना है अपने प्रोग्राम में, तो ये आपका क्या हो जाएगा, इम्पोर्ट। तो बेसिकली इम्पोर्टिंग में क्या होगा, आप CSV फाइल इम्पोर्ट करोगे, वही आपका क्या बन जाएगा, डेटा फ्रेम बन जाएगा। एक्सपोर्ट मीन्स कि हमारे पास कुछ है, हम उसको कहीं भेज रहे हैं, तो दैट मीन्स हमारे पास तो ऑब्वियसली पाइथन में काम कर रहे हैं, तो क्या होगा, डेटा फ्रेम होगा। उसको मैं कहाँ भेज रही हूँ, CSV फाइल। मीन्स हमने जो डेटा फ्रेम क्रिएट किया है ना, उससे क्या हो जाएगा, आपकी CSV फाइल में वो सारा का सारा डेटा चला जाएगा। अब देखो नेक्स्ट मेरे पास इसकी डेफिनेशन, पहले फुल फॉर्म देखेंगे। CSV मीन्स कोमा सेपरेटेड वैल्यूज। नेम से एक मीनिंग क्लियर हो रहा है, कोमा सेपरेटेड वैल्यूज मीन्स जो भी वैल्यूज होंगी वो किससे सेपरेट होंगी, कोमा से। सपोज मेरे पास फर्स्ट रिकॉर्ड है एम्प्लॉय नंबर 101, एम्प्लॉय नेम है अनु, एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट है लेट सपोज परचेज डिपार्टमेंट, उसकी सैलरी है 25,000। तो ये सारी की सारी जो वैल्यूज हैं बाय डिफॉल्ट किससे सेपरेट हुई है, कोमा से। दैट मीन्स दिस इज योर कोमा सेपरेटेड वैल्यूज फाइल, राइट। नाउ सी दिस, जो आपकी CSV फाइल होती है उसकी एक्सटेंशन क्या होती है, मेरे पास .csv। इट इज़ अ टेक्स्ट फाइल फॉर्मेट दैट यूजेस कोमास टू सेपरेट द वैल्यूज। अभी मैंने आपको बताया यहाँ पर भी कि अगर मुझे वैल्यूज को सेपरेट करना है किससे करेंगे, कोमा की हेल्प से करेंगे। एंड न्यू लाइन्स टू सेपरेट रिकॉर्ड, अगर आपको कोई न्यू रिकॉर्ड लिखना है तो आप उसको न्यू लाइन दैट मीन्स नेक्स्ट लाइन में लिखो। अ CSV फाइल स्टोर्स टेबुलर डेटा इन अ प्लेन टेक्स्ट। टेबुलर डेटा मीन्स टेबल के फॉर्म में डेटा होगा, इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स। फिर ईच लाइन ऑफ द फाइल रिप्रेजेंट्स वन डेटा रिकॉर्ड। तो अगर हम टेबल की बात करें तो एक जो लाइन होगी उसमें वो आपका एक कंप्लीट रिकॉर्ड होगा, और हर एक रिकॉर्ड में क्या होगा, सेम नंबर ऑफ फील्ड्स होंगी एंड दीज आर सेपरेटेड बाय कोमास इन द CSV फाइल। देखो आप कोई भी डिलिमिटर यूज कर सकते हो, जो मैंने कोमा बोला ना वैल्यूज को सेपरेट करने के लिए, बाय डिफॉल्ट डिलिमिटर इज कोमा। आप इसके अलावा कोई भी डिलिमिटर यूज कर सकते हो। सी दिस एग्जाम्पल, अभी हम देखेंगे कि हमने फाइल को क्रिएट कैसे किया। ठीक है, क्रिएट करने से पहले बस एक थोड़ी सी झलक देख लो कि दिस इज आर CSV फाइल। यहाँ पर आपने इसको एक्सेल में क्रिएट किए, आप इसको किसी टेक्स्ट एडिटर में भी ओपन कर सकते हैं। अब यहाँ पर क्या है, रोल नंबर नेम और मार्क्स की जो वैल्यूज है ये किससे सेपरेट हुई हुई है, कोमा से। आप चाहो यहाँ पर सेमीकॉलन @ पाइप सिंबल टैब कुछ भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब उसमें बोला था कि एक लाइन जो होगी मेरे पास एक रिकॉर्ड होगा, टेबल की बात करें तो टेबल की एक लाइन मेरा एक रिकॉर्ड होगा, एक रिकॉर्ड में मेरे पास देखो मल्टीपल वैल्यूज हैं हर एक फील्ड के लिए, और ये वैल्यूज आपकी क्या रहेंगी, सेम रहेंगी हर एक रिकॉर्ड के लिए, राइट। दैट मीन्स अगर इसमें तीन वैल्यूज हैं तो नेक्स्ट में भी मेरे पास तीन वैल्यूज होंगी। अब देखो नेक्स्ट मेरे पास आता है इम्पोर्ट। अब हम इसको एक्चुअल में इम्पोर्ट करेंगे।
इंपोर्ट कर रहे हैं दैट मीन्स सी एस वी फाइल पहले बनी होनी चाहिए, क्रिएट होनी चाहिए इन ऑर्डर टू इम्पोर्ट अ सी एस वी फाइल। अगर आपको सी एस वी फाइल को इम्पोर्ट करना है अपने प्रोग्राम में तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू क्रिएट अ सी एस वी फाइल। सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम सी एस वी फाइल को क्रिएट करेंगे, बिकॉज जब तक फाइल क्रिएट नहीं होगी तो ऑब्वियसली उसको आप इम्पोर्ट कैसे ही करोगे। अब बात आती है सी एस वी फाइल को हमें क्रिएट कैसे करें, क्या आप इसको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में ईजिली क्रिएट कर सकते हैं या और भी कोई इससे रिलेटेड सॉफ्टवेयर हैं तो वहाँ पर आप इसको ईजिली क्रिएट कर सकते हैं। तो जब हम इसको अपना सी एस वी फाइल को क्रिएट करने के बाद पाइथन में उसको इम्पोर्ट करेंगे ताकि हमारा डेटा फ्रेम क्रिएट हो जाए, उसके लिए हमारे पास आता है रीड सी एस वी फाइल। रीड सी एस वी फंक्शन इज यूज टू इम्पोर्ट द डेटा फ्रॉम द सी एस वी फाइल इन टू डेटा फ्रेम। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम अपना सी एस वी फाइल को क्रिएट करेंगे। तो सी एस वी फाइल को क्रिएट करने के लिए आप सबसे पहले राइट क्लिक करोगे, ऊपर जाओगे, यहाँ पर आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट को सपोज यहाँ पर आप इसका, या फिर अगर आप यहाँ से ओपन करना चाहते वो भी कोई दिक्कत नहीं, आप सीधा अपना एक्सेल ओपन करो, यहाँ पर आप अपनी ब्लैंक वर्कबुक ओपन करो और यहाँ पर आप अपना सी एस वी फाइल को क्रिएट करें। सपोज हम एक एम्प्लॉय नेम से सी एस वी फाइल बनाते हैं, यहाँ पर मैंने हेडिंग लिखी नंबर, ये हो गया एम्प्लॉय का नेम, इसको टैब देकर के नेक्स्ट कॉलम में आ जाएगा, ये हो गया एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट एंड दिस इज योर एम्प्लॉय सैलरी। तो यहाँ पर एम्प्लॉय नंबर लेट सपोज 101, फाइव एम्प्लॉयज का रिकॉर्ड यहाँ पर मैंने, एंड यहाँ पर हमने लिख दिया मोनिका, साहिल, सुषमा, एक नेम और लिख लेते हैं लेट सपोज राइट, ये हो गए इनके डिपार्टमेंट। यहाँ पर हमने लिखा सेल्स डिपार्टमेंट, मोनिका हमारी है एचआर डिपार्टमेंट, साहिल सेल्स डिपार्टमेंट, सुषमा को हम डाल देते हैं हमारे एचआर में और इसको हम डाल देते हैं परचेज। इसके बाद हमने अपना एक सैलरी बना ली, नाउ सी हियर मैंने यहाँ पर एक सी एस वी फाइल बनाई, आप चाहो तो इसको यहाँ पर अपना कुछ भी अपना बॉर्डर वगैरह दे सकते। अभी मैंने कुछ नहीं करा, सिंपल अपना क्या करा है एक फाइल बनाई है वो भी एम एस एक्सेल में, ठीक है। तो जब आप इसको सेव करोगे, अब ध्यान से देखना, फाइल पर गए, सेव पर जाओगे या सेव एज पर जाओगे, इसको आप अपना फाइल को सपोज मैं इसको डेस्कटॉप पर सेव कर रही हूँ और यहाँ पर मैंने लिख दिया ई एम पी डेटा, सेव एज टाइप दिख रहा है, इस एरो पर क्लिक करोगे यहाँ पर आपको दिख जाएगा सी एस वी दैट इज कोमा सेपरेटेड कोमा डिलिमिटेड, ठीक है। तो इसको सिलेक्ट करोगे फिर हम इसको क्या कर देंगे, सेव कर देंगे। तो दैट मीन्स अभी आपकी सी एस वी फाइल क्रिएट हो चुकी है, ई एम पी डेटा डॉट सी एस वी नेम से आपकी ये सी एस वी फाइल बन गई। तो हम ओपन करेंगे, यू कैन सी हियर, ठीक है। अगर आप इसको किसी टेक्स्ट एडिटर में ओपन करते हो, सपोज मैंने यहाँ पर लिखा नोटपैड, तो यू कैन सी हियर हर एक वैल्यूज आपकी किससे सेपरेट हो रही हैं, कोमा से। इफ़ यू वांट तो आप अपनी सी एस वी फाइल को वर्ड पैड में भी ओपन कर सकते, वो भी आपको कोमा सेपरेटेड वैल्यूज फाइल्स ही शो करेगा, राइट। तो बिल्कुल सिंपल सा फंक्शन है दैट इज। अब मुझे क्या करना है, मेरा ये डेटा फ्रेम वगैरह तो मैं इसको कमेंट कर देती हूँ, चलिए। अब देखो मैं जब हम डेटा को रीड कर रहे हैं तो मेरे पास कुछ ना कुछ आ रहा है रीड होकर के डेटा, मैंने एक वेरिएबल लिया लेट सपोज डी एफ नेम से, उसमें मैंने बोला कि एक पी डी क्या है पांडास जो आपकी लाइब्रेरी उसका लाइंस हो गया, यहाँ पर मैंने उसको बोला रीड सी एस वी फंक्शन। अब रीड सी एस वी फंक्शन में मैं इसको फाइल का पाथ दे दूंगी जो फाइल मुझे इंपोर्ट करनी है, ई एम पी डेटा इंपोर्ट करना, राइट क्लिक करोगे, देखो या तो आपको मिल रहा है यहाँ पर कॉपी एज पाथ,
पूरा का पूरा पाथ कॉपी कर लो और यहाँ पर इसको पेस्ट कर, राइट। अब ध्यान से देखना कि क्या ये एग्जीक्यूट होगा। यहाँ पर मुझे एरर दिखा रहे हैं कि कोड बाइट टाइप इस तरीके से, ठीक है। अब देखो, जब भी हम अपना, आपको एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर्स पढ़े होंगे कि अगर लेट सपोज मेरे फाइल का नेम टेम्प डेटा होता है, लेट सपोज, तो यहाँ पर बैक स्लैश टी आ रहा है, तो इसको लगेगा बैक स्लैश टी ये टैब स्पेस के लिए कि आपका टेक्स्ट है, ठीक है। तो इस चीज़ को ओवरराइट करने के लिए दो मेथड्स हैं, या तो आप यहाँ पर डबल स्लैश लगा दीजिए या फिर आप अपने स्ट्रिंग को रॉ स्ट्रिंग बना दीजिए, आर ऐड कर दो आगे, ठीक है। या तो यहाँ पर हर जगह डबल स्लैश लगा दो, या फिर आप क्या करेंगे, हर मीन्स जो आपने पाथ दिया है फाइल का उसके आगे आर लगा दो। आर रिप्रेजेंट रॉ स्ट्रिंग। रॉ स्ट्रिंग मीन्स कि जो भी अंदर लिखा है वो एज इट इज है, आपको इसमें यहाँ पर कोई भी चेंजेस नहीं कर, राइट। तो जब हम इसको प्रिंट कराएंगे तो यू कैन सी हियर, जो मेरे पास वो वाला डेटा था ना हमारी CSV फाइल में, फाइव रिकॉर्ड सेंटर करे थे, वही सारा का सारा डेटा हमारा किस में आ गया है, डेटा फ्रेम में। बिकॉज यहाँ पर हमने रीड CSV फाइल फंक्शन से अपना क्या कर लिया, एक तरीके से डेटा फ्रेम भी क्रिएट कर लिया, राइट। सिंपल एकदम। इसका सिंटेक्स देखो क्या है, और भी वैसे इसमें हमारे पास पैरामीटर्स होते हैं, पाथ, सेपरेटर, हेडर, ठीक है। वन बाय वन हम सारे के सारे आर्ग्यूमेंट्स या पैरामीटर्स जो आपका रीड CSV फंक्शन इसमें कवर अप करेंगे। फर्स्ट आपका जो आर्ग्यूमेंट है पाथ, जो भी हमने अभी करा जस्ट नाउ, इसमें आपका क्या है कि जो भी आप यहाँ पर आपकी CSV फाइल है उसका कंप्लीट पाथ दोगे, ठीक है। अगर इन केस आपकी जो CSV फाइल है और पाइथन फाइल है दोनों सेम लोकेशन पर हैं, तो आप सिंपल फाइल का नेम भी दे सकते हो, वो भी आपका प्रॉपर चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बट अगर आपका जो पाथ है, दैट मीन्स योर CSV फाइल डिफरेंट लोकेशन पर है और आपका जो पाइथन फाइल है डिफरेंट लोकेशन पर है, तो आपको कंप्लीट पाथ को मेंशन करना है। सेपरेटर मीन्स कि आपकी जो वैल्यूज हैं आप उसको किस चीज़ से सेपरेट कर रहे हो, बाय डिफॉल्ट सेपरेटर इज कॉमा, ठीक है। हेडर भी अभी हम पढ़ेंगे, तो वैसे डेफिनेशन देख लो क्या होता है, द पैरामीटर हेडर स्पेसिफाइज द नंबर ऑफ रो हुज वैल्यूज आर टू बी यूज एज द कॉलम नेम्स, कि आपको अपने जो कॉलम के नेम्स यूज करने हैं उसमें मीन्स आप नंबर ऑफ रोज बता दो, राइट। तो दैट मीन्स ये उसको क्या बना देगा, हेडर बना देगा, और उसके बाद की जो वैल्यूज होंगी उसको ये फेच करना स्टार्ट कर दे। तो अब हम कह रहे हैं पाइथन कोड टू इंपोर्ट डेटा फ्रॉम CSV फाइल टू डेटा फ्रेम, ये चीज़ हमने अभी जस्ट नाउ करी है, अपना पाइथन में हमने अपना क्या करा है, CSV फाइल को इंपोर्ट करा। तो इनकी भी देख लेते हैं इसमें क्या लिखा है। सबसे पहला स्टेप, क्रिएट अ फाइल इन MS Excel। सबसे पहले हमने MS Excel में फाइल को क्रिएट करा, फिर फाइल को सेव करोगे, फाइल का नेम लिखोगे .csv, जहाँ पर वो कॉमा सेपरेटेड लिखा था उसको सेलेक्ट करो, राइट। तो ये हमारी CSV फाइल है, यहाँ पर आर नंबर नेम एंड मार्क्स, इसको हमने सेव कर दिया two.csv नेम्स। सेकेंड, अब आपने ये कंप्लीट कोड लिखना है अपना पाइथन में, सिर्फ कुछ नहीं करना है कि read_csv फंक्शन है और यहाँ पर आपने पाथ देना है अपनी CSV फाइल का। तो यू विल सी कि आपका जो CSV फाइल में डेटा था वो आपका यहाँ पर पाइथन में डिस्प्ले हो गया, दैट मीन्स डेटा फ्रेम उसने क्रिएट कर दिया। अब एक आर्ग्यूमेंट मेरे पास आता है, हेडर आर्ग्यूमेंट। हेडर क्या कहता है, ध्यान से देखना, इट एक्सेप्ट इंटीजर, या तो इसको इंटीजर दे दो या फिर लिस्ट ऑफ इंटीजर दे दो या फिर रो नंबर्स दे दो, ठीक है, टू यूज एज द कॉलम नेम। इफ नो नेम्स आर पास, दैट मीन्स हेडर इक्वल्स द फर्स्ट कॉलम एज जीरो, फर्स्ट कॉलम में फर्स्ट रो, सी दिस केयरफुली, हेडर आर्ग्यूमेंट। आपको अपनी CSV फाइल भी दिखा देती हूँ, CMP डेटा, दिस इज आवर CSV। अगर मैं यहाँ पर हेडर के अब ध्यान से देखना, ठीक है, ये हमारी क्या है CSV फाइल बनी हुई है, ये आपके क्या है कॉलम के नेम, कॉलम के नेम्स क्या है EMP नंबर मीन्स एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नेम, डिपार्टमेंट और सैलरी।
तो अब मैं इसको क्या कह रही हूँ, हेडर नन है। हेडर नन मीन्स कि आपकी जो सी एस वी फाइल है ना उसमें हेडर है ही नहीं, तो हेडर नहीं है तो दैट मीन्स ये सारा का सारा रिकॉर्ड है। तो अगर ये सारा का सारा रिकॉर्ड है तो दैट मीन्स ई नंबर, ई नेम, डिपार्टमेंट, सैलरी, ये उसको भी आपका डेटा कंसिडर करेगा और अपना कॉलम को डिफॉल्ट हेडिंग दे देगा, दैट मीन्स वो 0, 1, 2, 3 वाली, राइट। तो यहाँ पर हमने इसको बताया कि हमारा जो कौन सी रो है वो हेडर बनानी है। सपोज हमने यहाँ पर लिखा 2, तो 101 और नेक्स्ट क्या आती है मेरे पास 102, तो आपकी जो सेकंड रिकॉर्ड है वो आपका क्या बन गया, कॉलम का हेडर बन गया, राइट। अगर आप चाहो तो एक से ज़्यादा रिकॉर्ड को भी यहाँ पर आप अपना हेडर बना सकते, आपने जस्ट उसको क्या पास करना है, लिस्ट में पास करना। तो यहाँ पर मैंने लिखा था हेड 2, 4, तो यहाँ पर आपका जो है 2 और 4 जो आपके रिकॉर्ड्स हैं ये आपका हेडर बन गया। उसके बाद वाले रिकॉर्ड्स आपके डिस्प्ले होंगे। सपोज मैंने यहाँ पर लिखा 1, 2, तो दैट मीन्स जो आपका फर्स्ट और सेकेंड रो है ये, अब ये आपके कॉलम के इंडेक्स बन गए हैं और ये आपके क्या है, उसके आगे का रिकॉर्ड आपका क्या है, डेटा। यहाँ पर अगर हम हेडर नन लिख रहे हैं तो दैट मीन्स आपकी सी एस वी फाइल में हेडर नहीं है, तो जितना भी डेटा है उसको सारा का सारा क्या मानेगा, डेटा मानेगा रिकॉर्ड के लिए। नाउ सी दिस एग्जांपल, यहाँ पर हमने लिखा हेडर इक्वल्स टू 3, तो जो भी आपका थर्ड रिकॉर्ड होगा ये उसको हेडर बना देगा और प्लस बाकी के रिकॉर्ड आपको ये एज इट इज डिस्प्ले करा देगा। नेक्स्ट अगर मुझे एक से ज़्यादा रिकॉर्ड का हेडर बनाना हो, मैंने लिखा हेडर इक्वल्स टू 2, 4, तो अगर मैं इसको लिस्ट में पास कर रही हूँ, सेकेंड और फोर्थ आपके जो इंडेक्स पर एलिमेंट्स हैं या रिकॉर्ड हैं उसको इसने क्या कर दिया, इंडेक्स बना दिया, और उसके जस्ट जो बाद वाले रिकॉर्ड्स हैं वहाँ पर आपका क्या होगा, वो डिस्प्ले होना स्टार्ट करेगा वहाँ से। ये मैंने आपको बता दिया कि अगर आपकी सी एस वी फाइल में कॉलम की हेडिंग्स नहीं हैं तो आपका जो फर्स्ट रो है वो आपका हेडर रो बन जाए, राइट। नेक्स्ट मेरे पास आता है आर्ग्यूमेंट, दैट इज स्किप रोज। अब स्किप रोज का मतलब क्या है कि जितनी रोज मुझे स्किप करनी है, यहाँ पर मैंने सपोज लिख दिया 1, तो दैट मीन्स आपके फर्स्ट रिकॉर्ड स्किप हो जाएगी, बाकी आगे की सारी रिकॉर्ड्स आएंगे। एक से ज़्यादा करना है, मैंने सपोज लिखा 1 और 4, तो दैट मीन्स जो आपका 101 और 104 एम्प्लॉय रिकॉर्ड है वो आपका स्किप हो गया, राइट। तो स्किप रो समझ में आ गया कि जो आपके यहाँ पर नंबर लिखोगे लिस्ट के फॉर्म में वो आपके उस रो का क्या कर देगा, मीन्स उसको रीड करके स्किप कर देगा, वो डिस्प्ले नहीं कराएगा। If we want to skip certain rows from the CSV file, we can use skip rows parameter. यहाँ पर हमने लिखा skip rows 3, 5, तो 203 that means ये आपका third record और एक आपका fifth record, इनको छोड़ करके बाकी सारा का सारा record आपका आ जाएगा। Next मेरे पास आता है n rows. n rows का मतलब क्या है कि suppose मेरे पास CSV file में thousands of record हैं, अब मुझे अपने data frame में सारा का सारा record नहीं चाहिए तो एन रोज का यूज करेंगे। तो यहाँ पर हमने लिख दिया एन रोज इक्वल्स टू, यहाँ पर हमने लिख दिया लेट सपोज 3, तो 3 लिखने पर क्या होगा कि आपके जो 3 तक है वो डिस्प्ले 101, 102 और 103, ठीक है। एन रोज 3 लिखा है तो दैट मीन्स जितने भी टोटल रिकॉर्ड्स होंगे मुझे ये टॉप 3 रिकॉर्ड्स को रिट्रीव करके दे देगा। राइट, अगर आपके डेटा फ्रेम में सॉरी सीएसवी फाइल में थाउजेंड्स ऑफ रिकॉर्ड्स हैं, आपको कुछ 15-20 रिकॉर्ड पर काम करना है, तो हम क्या यूज कर लेंगे, हमारा एन रोज आर्ग्यूमेंट। नेक्स्ट मेरे पास आता है नेम्स आर्ग्यूमेंट। अभी तक हमने हेडर आर्ग्यूमेंट करा, स्किप रोज करा, एन रोज करा, अब मेरे पास आता है नेम्स आर्ग्यूमेंट। नेम्स आर्ग्यूमेंट क्या कहता है कि अगर आपने जो सी एस वी फाइल बनाई है उसमें चाहे कॉलम हो चाहे ना हो, अगर आप अपने खुद से कॉलम के नेम्स देना चाहते हैं तो हम किस में लिखेंगे, नेम्स आर्ग्यूमेंट। इफ़ कॉलम नेम्स आर नॉट मेंशन इन सी एस वी फाइल, तो अगर आपकी जो ये हमारी सी एस वी फाइल है इसमें मैं यहाँ से कॉलम हटा दूँ, तो अगर मैं यहाँ से कॉलम हटा करके इसको सेव करूँ तो दैट मीन्स मेरे पास स्टार्टिंग से की क्या है, डेटा है।
जब आप इसको एग्जीक्यूट करोगे यहाँ पर हमने लिख दिया नेम्स इक्वल्स टू। अब यहाँ पर आपको कॉलम के नेम क्या देने हैं, पहले तो था ई नंबर, अब मैंने इसको कर दिया ई एम पी। नेक्स्ट था पहले ई नेम, को हम कर देते हैं ई एम पी। डिपार्टमेंट वाले को हम कर देंगे डी ई पी टी। और लास्ट है सैलरी, राइट। तो अब ध्यान से देखना, जब आप इसको प्रिंट कराओगे, ये आपने क्या दे दिया, ई एम पी नंबर, ई एम पी नेम, डिपार्टमेंट, सैलरी। आपके मीन्स जो आपने ये चीज़ प्रोवाइड करी थी, अभी आपके क्या बन गए, कॉलम की हेडिंग बन गई। कि कब बनी, अगर आपके पास सी एस वी फाइल में कोई भी कॉलम हेडर नहीं है, अगर आप अपना यहाँ पर कोई भी कॉलम हेडर दे दो, सपोज आई एम राइटिंग ई नंबर, नेम, सैलरी, सॉरी डिपार्टमेंट एंड देन सैलरी, राइट। तो जब हम इसको सेव कर देंगे और फिर एग्जीक्यूट करो, अब ध्यान से देखना, ये आपने जो इंडेक्सिंग करी वो तो इसने यहाँ पर मुझे ई एम पी नंबर, ई एम पी नेम, डिपार्टमेंट, सैलरी ये तो दे दी, पर जो ये वाली चीज़ है ये इसको मीन्स डेटा कंसीडर कर रहा है। तो बिकॉज आपने हेडर को तो अपना कॉलम ये वाले तो लिए नहीं, तो वो सोच रहे कि यहाँ से आपके स्टार्ट हैं फर्स्ट रिकॉर्ड, बट यहाँ से मेरा फर्स्ट रिकॉर्ड स्टार्ट नहीं है। तो इस चीज़ को ठीक करने के लिए या तो मैं क्या लिख दूँ, हेडर इक्वल्स टू, अगर मैं वन लिख दूँ, लेट्स सपोज वन तो नहीं आएगा वैसे, चलो तो अगर मैंने यहाँ पर हेडर इक्वल्स टू जीरो लिख दें, तो यहाँ पर देखो जो आपकी टेबल सी एस वी फाइल में कॉलम के नेम से ई नंबर, नेम, डिपार्टमेंट, सैलरी, तो ये वो वाली वैल्यूज नहीं लेगा। ये क्या करेगा, अपने खुद से ई एम पी नंबर, ई एम पी नेम, डिपार्टमेंट, सैलरी ये कॉलम्स है, और ये उसकी क्या हो गई हैं, वैल्यूज हो गई। इन केस अगर सी एस वी फाइल में आपके पास ये कॉलम हेडर्स नहीं होते तो क्या होता, ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ तक। तो यहाँ पर अब हमने क्या देख लिया, हमारा नेम्स आर्ग्यूमेंट। तो नेम्स आर्ग्यूमेंट क्या करेगा यहाँ पर, कि आपने जो भी मीन्स अगर आपको अपने खुद से कस्टमाइज्ड कॉलम के नेम्स चाहिए हो, तो वहाँ पर वो आपका क्या लिख सकते हो, आप नेम्स आर्ग्यूमेंट के थ्रू ले सकते, ठीक है। मैंने आपको दोनों चीज़ों से बता दिया कि अगर आपके पास जो सी एस वी फाइल उसमें कॉलम्स हैं, मीन्स जो कॉलम हेडर है वो हैं, तो क्या रिजल्ट आएगा, नहीं है तो क्या रिजल्ट आएगा, ठीक है। आप यहाँ पर हेडर की जगह स्किप रोज भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर हमने हेडर में यहाँ पर लिखा था ना, तो यहाँ पर अगर आप स्किप रोज लिख रहे हो, ठीक है, अगर आप इसको विदाउट स्क्वायर ब्रैकेट्स लिखोगे तो ये आपका एक तरह, अगर चलो पहले मैं यहाँ पर टू लिख देती हूँ, चलो थ्री लिख देते हैं, तो ये आपका एक तरीके से हेडर की तरह काम करता है। जो आपका हेडर एट्रीब्यूट है ना, उस तरीके से ये काम करेगा, राइट। तो बेसिकली हम जो स्किप रोज में वैल्यूज लिखते हैं कि कितनी रोज मुझे स्किप करनी है, वो हम विद इन स्क्वायर ब्रैकेट से लिखोगे, जो हाँ जो नंबर लिखोगे वो रो ये आपकी स्किप कर देगा, ठीक है, डन। अब नेक्स्ट मेरे पास आता है लास्ट, एक्सपोर्टिंग अ डेटा फ्रेम टू सी एस वी फाइल। मीन्स आपका पास डेटा फ्रेम बना हुआ है, अब आपको उसको क्या करना है, सी एस वी फाइल में डालना है, ठीक है। अगेन कोई झंझट नहीं है इसके लिए, सपोज करो हम इसको फिलहाल क्लोज कर देते हैं, डोंट सेव कर देते हैं, और ये डेटा फ्रेम बना हुआ है हमारे पास, ठीक है, इसको हटा दें और ठीक है। अब ये हमारे पास मैंने डेटा फ्रेम क्रिएट किया हुआ है, इसको मैं एग्जीक्यूट करके दिखा देती हूँ आपको, दिस इज़ अवर डेटा फ्रेम। अब मुझे क्या करना है, इसको सी एस वी फाइल में भेजना है। रीड इम्पोर्ट करने के लिए वी आर हैविंग रीड सी एस वी फंक्शन, और एक्सपोर्ट करने के लिए वी आर हैविंग टू सी एस वी फंक्शन। अब एक चीज़ ध्यान रखना, जब मैं एक्सपोर्ट कर रही हूँ, पहले तो मैंने पी डी डॉट रीड सी एस वी लिखा था, अब मैं डी एफ लिखूँगी, डेटा फ्रेम भेजना है डी एफ डॉट
यहाँ पर आप लिखोगे टू अंडरस्कोर csv, राइट। सेम फाइल का पाथ दे दो। अब डेस्कटॉप तक जाने के लिए मैं यहीं से पाथ ले लूँ, ठीक है। वही सेम चीज़, इसको रॉ स्ट्रिंग बना दो या डबल स्लैश लगा दो। फाइल का नाम हम चेंज कर देते हैं, सपोज मैं लिख देती हूँ यहाँ पर सिर्फ डेटा लिख देती हूँ, जो हम एक्सपोर्ट करा रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर मैंने क्या लिखा, कुछ नहीं करना, आपका डेटा फ्रेम बन गया। आप डेटा फ्रेम का ऑब्जेक्ट लिखोगे, डॉट टू सी एस पे लिखोगे, फाइल का पाथ दे दोगे। अगर ये फाइल ऑलरेडी पहले से एग्जिस्ट कर रही है तो यहाँ पर क्या होगा, आपका वो फाइल का जो डेटा है उसको ओवरराइट कर। नाउ लेट्स एग्जीक्यूट दिस। ये तो हमने प्रिंट कराया है, अब हम अपना डेस्कटॉप पर जाकर देखते हैं ये हमारी डेटा डॉट सी एस पी फाइल क्रिएट हुई है, ठीक है। तो जब आप ओपन करोगे, सॉरी मैंने आई थिंक गलत, ये है डेटा डॉट सी एस पी। तो अब नाउ यू कैन सी हियर, जो हमने डेटा फ्रेम बनाया था, देखो नेम, स्ट्रीम, मार्क्स, जेंडर, एड्रेस, ये आपके रो लेबल हो गए, सारे का सारा आपका क्या हो गया, ये जो हमने डेटा फ्रेम बनाया था ये आपका सी एस पी फाइल में डल गया, ठीक है। अब आप कहोगे मैम सी एस पी मीन्स कोमा सेपरेटेड वाली, कोमास तो नहीं दिख रहे। हम कहेंगे कोमास आपको दिख जाएंगे, आप इसको किसी टेक्स्ट एडिटर में ओपन कर लो, कोमा से वैल्यू सेपरेट हैं। अगर आप चाहो कि आपको किसी और चीज़ से वैल्यूज़ को सेपरेट करना है तो आप यहाँ पर सेपरेटर आर्ग्यूमेंट भी दे सकते हो। मैंने यहाँ पर लिख दिया लेट सपोज एस ई पी इक्वल्स टू, लेट सपोज मैंने इसको डॉलर से सेपरेट कर दिया, ठीक है। तो जब आप इसको एग्जीक्यूट करोगे हाँ तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो जब आप अपना देखो, तो अगर मैं नोट पैड में ओपन करके दिखाऊँ आपको, तो नाउ यू कैन सी हियर सारी की सारी वैल्यूज आपकी किससे सेपरेट हो गई हैं, डॉलर से। और अगर आप इसको एम एस एक्सेल में ओपन करोगे तो इसमें थोड़ा सा आपको अप्लाई करने पड़ेंगे ऑपरेशंस। देखो वैल्यूज तो डॉलर से सेपरेट हैं। अब मैं क्या कर रही हूँ, डेटा पर गए, फ्रॉम टेक्स्ट और सी एस वी यहाँ से ले लिया, और यहाँ से आप अपना डेस्कटॉप पर जाएंगे, डेटा डॉट सी एस वी फाइल को इम्पोर्ट करा। तो जैसे ही आप इसको इंपोर्ट कराओगे तो यहाँ पर आपको टॉप पर देखना डिलिमिटर दिखाई देगा, ये मेरे पास कौन से विंडो ओपन, अरे एडिटर एक बार हम क्या कर? एक बार हम सेपरेटर जो है डॉलर की बजाय सेमी कॉलन लेते हैं, ठीक है। इसको हम क्लोज कर देते हैं। यहाँ पर हमने जो सेपरेटर लिया इसको मैं फिलहाल अब कर देती हूँ सेमी कॉलन लगा देती हूँ, लेट सपोज इसको मैंने एग्जीक्यूट, राइट। अब हम जरा अपना डेटा डॉट सी एस वी पे गए, अगर मैं नोट पैड में देख रही हूँ सेमी कॉलन से वैल्यू सेपरेट हो गई। अब इसको मैंने ओपन, अब ये वैल्यूज यहाँ सेपरेट हो गई हैं सेमी कॉलन। अब हम डेटा पर गए, फ्रॉम टेक्स्ट टू सी एस वी, इसके बाद डेस्कटॉप पर गए, डेटा डॉट सी एस वी में हमने इम्पोर्ट करा, ठीक है। नाउ सी हियर, अब मेरे पास यहाँ पर डिलिमिटर देखो कौन कौन से गिवन कॉलम, क्योंकि वो कस्ट यहाँ पर डॉलर सिंबल है नहीं, उसको कस्टम में जाकर या तो मुझे सेट करना पड़ेगा, ठीक है। आप कॉलन ले सकते हो, कोमा ले सकते हो, इक्वल साइन, सेमी कॉलन, टाइप, इस तरह कस्टम में जाकर के अगर आप कोई और होता तो मैं यहाँ पर डॉलर सिंबल लिख दे। हाल हमारा डिलीमीटर क्या है, सेमी कॉलन, तो मैंने कर दिया लोड। तो अब आप देखना ध्यान से, अब ये आपका जो डेटा है देखो सेमी कॉलन जो आपने डिलीमीटर लगाया हो गया, टेबल सेपरेट हो गई। तो इस तरीके से मेरा जो एक्सपोर्ट अपना जो डेटा है वो एक्सपोर्ट कर सकते हैं सी एस पी फाइल। अब एक चीज़ और ध्यान से देख, अब यहाँ पर तो मैंने क्या कर दिया, अपना डेटा एक्सपोर्ट कर दिया। लेट सपोज मैं इसी इंपोर्ट करा रही हूँ, जब मैं इंपोर्ट करा रही हूँ तो मैंने वेरिएबल लिया उस एफ इक्वल्स टू डॉट इट इज सी एस पी, यही वाला पाथ मुझे। अब मैं क्या कर रही हूँ कि मैंने जो
data.csv वाली फाइल को एक्सपोर्ट किया था ना, इसको मैं इंपोर्ट करा रही हूँ और प्रिंट इसी एफ को करा रही हूँ जो मैंने फाइल इंपोर्ट कराई है। अब देखो यहाँ पर आपका जो डेटा है ना, ये सेमी कॉलन इस तरीके से आ रहा है, तो मैं अपना रीड सीएसवी फंक्शन में सेपरेटर क्या दे दूंगी, सेमी कॉलन। तो बाय डिफॉल्ट सेपरेटर कोमा होता है, इसलिए आपको जब मैंने लास्ट टाइम अभी रीड सीएसवी बताया तो उसमें आपको कुछ मैंने सेपरेटर आर्ग्यूमेंट का नहीं क्लियर होगा अच्छे से, बट यहाँ पर अब मैंने आपको क्लियर कर दिया बिकॉज जो आपकी डेटा डॉट सी एस वी फाइल है उसमें सेपरेटर क्या है, सेमी कॉलन है, बाय डिफॉल्ट कोमा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको मेंशन करना पड़ेगा कि आपका सेपरेटर क्या है, सेमी कॉलन है, अदरवाइज वो आपको डेटा किस तरीके से दिखाएगा वो सेमी कॉलन के साथ में दिखाएगा, राइट। चलिए यहाँ से ये चीज़ भी क्लियर हो गई आपको। अब नेक्स्ट इसमें एक दो आर्ग्यूमेंट्स देखो, ये तो हमारा वही सेम चीज़ है, सेपरेटर आर्ग्यूमेंट बता दिया। एक इसमें मेरे पास इंडेक्स और हेडर आर्ग्यूमेंट भी होता है, ठीक है। अगर मैं इंडेक्स की वैल्यू क्या कर रही हूँ, फॉल्स कर रही हूँ, ध्यान से देखना। तो अगर मेरे पास जो यहाँ पर इंडेक्स थे, अब जो हमने डेटा एक्सपोर्ट किया था, तो एग्जीक्यूट करो इसको, df लिख दो और सेपरेटर आप चाहो तो सेमी कॉलन को भी मैं हटा देती हूँ, डिफॉल्ट सेपरेटर। ओफो चलिए, ये आपकी अब डेटा डॉट सी एस वी फाइल को जब आप ओपन करोगे तो ध्यान से देखना, यहाँ पर मेरे पास ना ये कॉलम लेबल्स दैट मीन्स हेडर और ये आ रहे हैं R1, R2 और नेम स्ट्रीम। अगर आप चाहते हो ये ना आए तो आप लोग क्या करोगे यहाँ पर, हाँ तो मैंने लिखा हेडर इक्वल्स टू फॉल्स लिख, फिर इसको एग्जीक्यूट करो। तो हेडर मीन्स कि आपके जो कॉलम के हेडर हैं वो आपकी सी एस वी फाइल में फिर नहीं आएंगे। अरे अब अगर आप चाहते हो ये रो वाले मीन्स इंडेक्स भी ना आए तो आप यहाँ पर क्या करोगे, इंडेक्स आर्ग्यूमेंट की वैल्यू भी क्या लिख दोगे, फॉल्स। बाय डिफॉल्ट इनकी वैल्यू ट्रू होती है, इसलिए ये आपके डिस्प्ले हो रहे हैं। यहाँ पर तो आएंगे, यहाँ तो हम डेटा फ्रेम प्रिंट करा रहे हैं। तो व्हेन यू विल ओपन द सी एस वी फाइल तो आप देखोगे कि आपके जो ना हेडर आ रही है मेरे पास, ना यहाँ पर मेरे पास इंडेक्स लेबल आ रहे हैं, ठीक है, बिकॉज मैंने उन दोनों आर्ग्यूमेंट की वैल्यूज को क्या कर दिया, यहाँ पर फॉल्स कर दिया, राइट। क्लियर हुआ? तो इसी के साथ हमारा जो ये इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट डेटा बिटवीन सी एस वी फाइल एंड डेटा फ्रेम ये कम्प्लीट होता है। आई होप आपको ये टॉपिक भी बाकी सभी टॉपिक्स की तरह अच्छे से क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट नहीं बचा होगा। But still, if having any doubt, you can write it in the comment section. And if you like my video, do press the like button and share your views in the comment section as well. Milte hain next video mein, aur next video mein we'll discuss the iteration. Okay, till then, keep watching, keep smiling, keep studying. Bye bye.